एक्चुअली गवर्नमेंट ने अच्छा अच्छा एक स्टेप लिया जी, स्टेप वाइज बच्चों को स्कूल खोल रहे हैं। इसमें पहले 10th एंड 12th को कंसिडर किया है क्योंकि वो बोर्ड पीपल है, इसलिए उनको प्रैक्टिस मिल जाए, उनको डर निकल जाए, इसलिए स्कूल में आने जाते हैं, वो आए हैं। वो तो एक 18 से चल रहा है, जनवरी 18 से। अभी 9th एंड 11th के लिए भी स्कूल शुरू हुआ है। हमारे स्कूल में अच्छे नंबर से पेरेंट्स विश्वास करके भेज रहे हैं। हम गवर्नमेंट का जो SOP है वो सभी पालन कर रहे हैं। हमारा एजुकेशन के साथ साथ उनका सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है, वो हम हर तरीके से वो पालन कर रहे हैं। पहले दिन में हमें एकदम कम बच्चे आए थे, और जैसे ये बच्चे बोला होगा या पेरेंट्स ने देखा होगा हम कैसे व्यवस्था कर रहे बच्चों के लिए, वहाँ पे जो उनका टेम्परेचर में माप के, फिर सैनिटाइज़र दे के, क्लास में डिस्टेंस में उनको बिठा के, और नॉट ओनली फिजिकल टीचिंग, उनको ऑनलाइन टीचिंग भी चालू रख रहे, इसलिए अब भी पेरेंट्स थोड़ा बहुत ज़्यादा भेजने लगे हैं। और 10th एंड 12th पहले शुरू हुआ वो देखने की वजह से 9th एंड 11th में ज़्यादा ही नंबर्स आ रहे हैं। आई एम फादर क्रूज सेंट जेविस गांधीनगर स्कूल प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस वी हैव जस्ट बिगन आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द एजुकेशन फॉर द 9th स्टैंडर्ड एंड 11th स्टैंडर्ड। वी हैव फॉलोड ऑल द गवर्नमेंट नॉर्म्स in preparation to start the 9th and 11th, and also we are keeping the guidelines of the government in the classrooms in the school for the safety of the children, safety of the staff, and also people who come to our school in this regard. And we do sanitize the classrooms and other places every day, and we got a good response from the parents. Children are coming to the school. We have started the classes today onwards for the 9th and 11th standard. And also when we started for 10th and 12th, there were a good response, and parents also were quite happy about it, and children were happy to come to the school, and they have benefited a lot. And from today onwards, in alternatively, we will be calling 9th and 11th one day, and the following day 10th and 12th. And please